हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन से पार्ट 12। जी हाँ, पार्ट 12, जिसका शीर्षक है न्याय मंत्री। चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपना पाठ। ये देखिए कितना अच्छा चित्र बना हुआ है। ये देखो, इनके घर कोई गेस्ट आए हैं, कोई अतिथि आए हैं कुछ उपहार लेकर, और ये सब लोग इनको क्या कर रहे हैं, इनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तो संकेतों को पढ़कर बताओ कि कौन सी बात आपके किस अतिथि से जुड़ी है। जो बहुत जोर जोर से बोलता है, बोलती है, जो अक्सर कोई चॉकलेट लेकर आता है या आती है, या जिसके पास कोई एक पालतू कुत्ता या कोई जानवर है, या जो तुम्हारी उम्र का है। तो बच्चों, ये आप जरूर अपने दोस्तों के साथ विचार विमर्श करके जरूर करिएगा। और अब हम चल रहे हैं पाठ प्रवेश। अतिथि देवो भवा का अर्थ होता है अतिथि भगवान, देव के समान होता है। यह भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण मान्यता है, जो हमें अतिथि का सम्मान करने की शिक्षा देती है। अतिथि का आत्मीयता से स्नेह से स्वागत किया जाता है और उसे सम्मान दिया जाता है। हमें छोटे बड़े के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करके सभी को समान समझकर सम्मान करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है, ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा। एक परदेशी, बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा। शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के भीतर गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया, यह देख परदेशी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निबट कर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की देश की व्यवस्था पर हो रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। परदेशी इस बात से सहमत न था, कुछ चिढ़कर बोला, दोष निकालना आसान है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल के लिए ये एक खुली चुनौती थी। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं। हाँ, मैं अवसर चाहता हूं, तो फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से ना बचेगा, कदापि नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उनसे दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, वे ये ना समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। ये शिशुपाल सोच सोच के घबरा रहे थे। सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे पहचान लिया होगा, याद है आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर मिले तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं। शिशुपाल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, ये यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री नियुक्त हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से उतार राज मुद्रा शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घरों के दरवाजे तक खुले छोड़ देते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग एक महीने बाद किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही ये बात चारों ओर फैल गई, लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई।
उन्होंने अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिया। सम्राट शिशुपाल से काफी अप्रसन्न थे, मतलब बहुत नाराज थे वो। उन्होंने अपराधी का पता लगाने के लिए एक हफ्ते का, एक सप्ताह का समय दिया। जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल भौचक्के रह गए। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी, सम्राट को कैसे अपराधी घोषित किया जाए? पर न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अब वो कैसे करे, अब देखते हैं। शिशुपाल शांत भाव से दरबार में आए। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ पता चल गया, तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोला, धनवीर गिरफ्तार कर लो, आज्ञा देता हूं। संकेत सम्राट की तरफ, मतलब उन्होंने सम्राट की तरफ ऐसे इशारा करके बोला कि इनको गिरफ्तार कर लो। दरबार में निशब्दता छा गई। निशब्दता मतलब बिल्कुल शांति, एकदम शांति छा गई, निशब्दता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने जैसे कुछ सुना ही ना हो फिर बोले, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी थी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उदंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं? तुमने एक कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय सुनाया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया कि राजा को बोला कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। किसे बोला? न्याय मंत्री शिशुपाल ने। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। तभी न्याय मंत्री के संकेत पर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सभाजनों ये सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट है, अतः मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर अशोक की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। देखा आपने कितना अच्छा न्याय किया उन्होंने, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। सभा न्याय मंत्री की जय जयकार से गूंज उठी। शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे अब ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है, अब ये भार आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। और न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। निरुत्तर मतलब उनके पास कोई जवाब ना था। तो ये था हमारा आज का पाठ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्द, ब्राह्मण सुप्रबंध मृत्युदंड पधारी राजमुद्रा निर्णय। सत्कार भौचक्के प्रशंसनीय मुग्ध कर्तव्य निरुत्तर नियुक्त उपस्थित व्यवस्था और निशब्दता। और अब हम चलेंगे शब्दार्थ। देखो कितने सारे शब्दों के अर्थ हैं। शुरू करते हैं संध्या अर्थ शाम, नवयुवक अर्थ है नौजवान, सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य, अतिथि यानी मेहमान, चरणों यानी पांव, पवित्र का अर्थ है निर्मल, मुग्ध यानी मोहित, अन्याय यानी जुल्म, सहमत जिसकी राय दूसरे से मिलती हो, दोष यानी अपराध, अवसर यानी मौका, नियुक्त किसी को कार्य का पद सौंपना, राजमुद्रा यानी राजा की मुहर, समुचित जो उचित हो, आरंभ शुरू करना, सुप्रबंध अच्छा इंतजाम, घोषित किसी निर्णय या खबर का प्रचार करना, कर्तव्य एक व्यक्ति या पदाधिकारी के रूप में उचित कार्य करना, साहसपूर्वक हिम्मत उपस्थित मौजूद, निशब्दता चुप्पी, उदंड यानी बात ना मानने वाला, निर्णय फैसला चेतावनी,
सावधान करना प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य, और निरुत्तर का अर्थ है कोई उत्तर ना होना। और अब है प्रश्न उत्तर, शिशुपाल कौन थे? शिशुपाल एक ब्राह्मण थे। किसने अतिथि का आदर सत्कार किया? शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कौन आया? कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर जो थे सिपाही आए थे। एक महीने के बाद किसकी हत्या हुई? एक महीने के बाद एक पहरेदार की हत्या हुई। सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर कौन आया? सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर राज कर्मचारी आए। अब हमें करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। अतिथि को लेकर घर के भीतर गए कौन? शिशुपाल। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करने आरंभ की। उन्होंने अपराधी का पता लगाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। ये थे हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। और अब वाक्यों के सामने सही या गलत। प्रजा अपनी राजा अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए किसी के घर में वेश बदल कर गए। जी हाँ, बिल्कुल सही। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को उनके घर से भगा दिया। बिल्कुल गलत। राजा ने न्याय करते हुए उचित व्यक्ति को पद पर बिठाया। बिल्कुल सही। एक महीने बाद पहरेदार ने मंत्री की, जी नहीं, राजा ने पहरेदार की हत्या करी थी। उचित न्याय करने के लिए शिशुपाल ने राजा को भी बिना डरे सजा सुनाई। बिल्कुल सही। और शिशुपाल ने अनजान अतिथि को भी घर में बुलाकर उनका सत्कार किया। बिल्कुल सही। तो हमने ये सही और गलत का निशान लगाए। और अब हमें प्रश्नों के उत्तर। शिशुपाल ने सम्राट अशोक के सामने क्या रख दिया? शिशुपाल ने सम्राट अशोक के सामने उनकी मूर्ति, अशोक की ही, सम्राट अशोक की ही मूर्ति रख दी। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल भौचक्के क्यों रह गए? अपराधी का पता चलने पर कि जब जो हत्या की है वो राजा सम्राट अशोक ने की है, यह सुनकर जो ये देखकर शिशुपाल जो थे भौचक्के रह गए। जैसे उन्हें पता चला कि हत्या जो है वो सम्राट अशोक ने की है, तो शिशुपाल भौचक्के रह गए। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने पर राज्य का प्रबंध कैसा हो गया था? शिशुपाल के राज्य मंत्री न्याय मंत्री बनने पर राज्य का जो प्रबंध था बहुत ही सुप्रबंधित व्यवस्थित हो गया था। सब लोग उनकी जय जयकार करते थे और जो पूरा जो उनकी प्रजा थी बहुत खुश थी, और लोग घरों में ताला लगाना भी छोड़ दिया था। न्याय मंत्री ने सम्राट के स्थान पर उनकी मूर्ति को फांसी पर लटकाने की आज्ञा क्यों दी? न्याय मंत्री ने कहा, क्योंकि सम्राट ने हत्या की है और सम्राट क्योंकि राजा है इसलिए मैं इनको नहीं करूंगा, लेकिन ये इनको जो है आगे से चेतावनी दी जाती है, आगे से इस तरह से नहीं करेंगे। तो क्योंकि सम्राट ने करी थी इसलिए उन्होंने चेतावनी देकर छोड़ दिया, और ये भी दिखाया कि अगर इस टाइप से हुआ तो फांसी भी दी जा सकती है। अतिथि के चरणों से घर पवित्र हो जाएगा, इस वाक्य का भाव स्पष्ट करो। जी हाँ, क्योंकि जब हमारे देश में अतिथि देवो भवा, अतिथि जो है वो भगवान के समान होता है जो ये है, और उनसे हमारा घर पवित्र हो जाता है, तो इसलिए ये वाक्य हमारा इस तरह हम इसको भाव को स्पष्ट करते हैं। न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा शिशुपाल ने क्यों कहा? ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि न्याय की दृष्टि में चाहे सम्राट हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, अगर जिसने अगर आपने गलत काम किया है तो मेरी नजरों में वो दोनों बराबर ही हैं, चाहे राजा हो और चाहे साधारण व्यक्ति। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये वाला पाठ यही समाप्त होता है, और आशा करते हैं ये पाठ आपको बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद लगा होगा। तो अगले पाठ में बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।